हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप अमेजोन के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अमेजोन ने, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेजोन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आया है अमेजोन की सेलिंग फीस को लेकर। जो भी आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं उस पर जितनी भी फीस आपको लगती है उन सब में चेंजेस होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से। कौन सी डेट से चेंज होने वाला है और कौन सी कैटेगरी में चेंजेस होने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है जो नए फीस है कब से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, 7 अप्रैल 2024 से। जी हाँ दोस्तों, कौन सी फीस में चेंजेस होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दे रखे हैं कुछ फीस जिसमें चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले है रेफरल फीस, यानी कि जो कमीशन लगता है ऑर्डर्स पे जो भी आपको रिसीव होते हैं कैटेगरी वाइज, रेफरल फी यानी कि कमीशन लगता है उसमें चेंजेस होगा। उसके बाद क्लोजिंग फीस, जो भी ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हो यानी कि प्रोसेस करते हो उस पर क्लोजिंग फीस लगती है, फिक्स क्लोजिंग फीस, उसमें भी चेंजेस होने वाले हैं। उसके बाद वेट हैंडलिंग फीस, ये तीनों की तीनों अलग है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो FBA, सेलर फ्लेक्स और यहाँ पे इजी शिप, ठीक है, तीनों में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी फीस। अगर आप सेलर फ्लेक्स के थ्रू सेल कर रहे हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी फीस लगेगी, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद पिक एंड पैक फीस, अगर अमेजोन के वेयरहाउस से सेल कर रहे हो तो वहाँ पे ये फीस आपको देनी पड़ती है, तो उसमें चेंजेस होगा, ठीक है। उसके बाद जीरो फी फुलफिलमेंट पॉलिसी इज रिमूव, जो अभी तक करंट में चल रही है जीरो फी फुलफिलमेंट पॉलिसी। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 के अबोव है तो वहाँ पे अभी कोई फुलफिलमेंट फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन ये जो पॉलिसी अभी नहीं ली जा रही है लेकिन 30 अप्रैल के बाद ली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट, ठीक है, कि दोनों की डेट आप देख सकते हो, दोनों की दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम ये टेबल वाइज समझ लेते हैं। मैं देखिए दोस्तों, ये सारी कैटेगरी तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए एक दो कैटेगरी का आपको बता दूंगा कि किसमें चेंजेस हुए हैं किसमें नहीं, ठीक है। उसका लिंक, ये जो फीस का लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहीं से डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो कि आप कैमरा एसेसरीज की सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसका करंट कमीशन रेट है यानी कि रेफरल फीस है 11%, लेकिन आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बिलो 500 है तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ पे 11% ही लगना है। अगर आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 500 से लेके 1000 के बीच में है तो वहाँ पे 13% लगेगा, यानी कि 2% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1000 के अबोव है तो वहाँ पे 13.5% यानी कि 2.5% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा है तो आपको डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज करने चाहिए, और आपको नहीं पता कि प्राइस कैसे अपडेट करते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा हुआ है, ये वीडियो एंड होने के बाद डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये कार इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज की। जी हाँ दोस्तों, अगर ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो यानी कि इस कैटेगरी में आप डील कर रहे हो तो करंट रेफरल फीस है 10.5, ठीक है, और चेंजेस क्या होने वाले हैं 7 अप्रैल से। 10.5 कब लगेगा, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस बिलो 500 रहेगा, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 500 से लेके बिलो 1000 रहेगा तो वहाँ पे 11% है यानी कि 0.5% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1000 के अबोव रहेगा तो वहाँ पे 13% यानी कि यहाँ पे 2.5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सारी कैटेगरी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, यानी कि क्लोजिंग फीस पे। क्लोजिंग फीस में कितना चेंजेस हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों तीनों में अलग अलग हुए हैं, इजी शिप में, FBA में और सेलर फ्लेक्स में, ठीक है। जीरो से लेके 250 या 250 से लेके 500 के बीच है तो ये करंट चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो 7 अप्रैल से अगर यहाँ पे इजी शिप में 3 रुपये अभी लग रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो 4 रुपये लगेंगे, ठीक है। और इजी शिप प्राइम है अगर आपके पास, अगर इजी शिप प्राइम सेलर हो आप तो वहाँ पे आपको 4 रुपये लगेंगे 7 अप्रैल से, जो अभी करंट लग रहे हैं 8 रुपये, यानी कि यहाँ पे आपके 4 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि इजीशिप प्राइम सेलर कैसे बने वो भी फास्ट, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ये वीडियो एंड होने के बाद आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ शिप में।
तो करंट 7 रुपीज लग रहे हैं, तो वो भी बाद में 7 ही लगने वाला है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 251 से लेके 500 है, तो यहाँ पे 6 रुपीज है, तो यहाँ पे 9 रुपीज, यानी कि यहाँ पे 9 रुपये, मतलब कि 3 रुपये यहाँ पे बढ़ गए हैं, ठीक है। और इजी शिप प्राइम है अगर आपका, तो यहाँ पे 12 रुपये आप दे रहे हो, तो यहाँ पे 9 रुपये, यानी कि इजी शिप सेलर को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सेल्फ शिप में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1000 के अबो आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रहेगा, तो इजी शिप का चार्ज अभी आप फिक्स क्लोजिंग फीस दे रहे हो 58 रुपीज, जो हो जाएगी 61 रुपीज, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेजर चेंजेस हुआ है, 3 रुपये यहाँ पे बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप FBA से सेल कर रहे हो आपके प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग है, तो ये चार्जेस अभी करंट लग रहे हैं। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में कुछ चेंजेस नहीं, सेम ही है, लेकिन फोर्थ रो में चेंजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे 50 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर सेलर फ्लेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रेंज है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया फिक्स क्लोजिंग फीस, ठीक है। तो ये भी करंट लग रही है, तो यहाँ पे 1-1 रुपये डिक्रीज हुए, वो भी 2 कॉलम में, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 0 से लेकर 250 के बीच है, तो वहाँ पे अभी करंट 8 रुपये लग रहे हैं, तो वहाँ पे लगेंगे 7 रुपये, और 250 से 500 के बीच है, तो वहाँ पे अभी करंट लग रहे हैं 12, तो वहाँ पे लगेंगे 11। 1 रुपये का फर्क ही कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 1000 के अबव सेलिंग प्राइस है, तो वहाँ पे 58 की जगह यहाँ पे 61 लगेगी, यानी कि यहाँ पे 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए टेबल नंबर 3, यानी कि FBA वेट हैंडलिंग फीस, जो अमेजोन के वेयरहाउस के थ्रू जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे उसके करंट शिपिंग चार्जेस ये आपको लग रहे हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं आपके अकाउंट के लेवल पे, ठीक है। अभी आपका अकाउंट कौन से लेवल पे है, प्रीमियम है, एडवांस है, स्टैंडर्ड है, बेसिक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये शिपिंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि आपका अकाउंट अभी करंट एडवांस में, तो आपको लोकल चार्जेस, अगर आपको FBA से सेल हो रहा है, तो वहाँ पे लोकल चार्जेस आपको 25 रुपीज लग रहे हैं, ओरिजिनल में 38.5, नेशनल में 60 और IXD में 45, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि IXD क्या है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम इस पर डिटेल में एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें चेंजेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों रेट को आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रुपये का आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे 25 है तो 27 है, 38.5 है तो यहाँ पे 40.5 है, ठीक है, यहाँ पे 60 है तो 62 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे IXD में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब हम आते हैं टेबल नंबर 4, ये टेबल नंबर 4 हो गया सेल ऑफ फ्लेक्स अकाउंट के लिए, ठीक है। उसके भी आप चेंजेस देख सकते हो, यहाँ पे भी 25, 38.5, 60, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रुपये इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 5, तो ये हो गया इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस, यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट, यानी कि आप अपने खुद से पैक करके भेजते हो, वहां पे ये चार्जेस लगते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो आपको करंट चार्जेस ये लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 44 दे रहे हो आप लोकल के, तो यहाँ पे हो गया 47, यानी कि 3 रुपये यहाँ पे बढ़ गए हैं। लेकिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है रीजनल का, तो 53 है, तो यहाँ पे 56 हो गया, 74 है, तो यहाँ पे 77, यानी कि 3-3 रुपये यहाँ पे यहाँ इसने बढ़ा दिए इजी शेप में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 6, ये हो गई टेक्नोलॉजी फीस, ये किसके लिए, सेलर फ्लेक्स अकाउंट के लिए, यानी कि अगर आप सेलर फ्लेक्स के जरिए सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले 13 रुपये लग रहे थे, वो अभी 14, यानी कि 1 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 7, ये है साइज बैंड स्टैंडर्ड, यानी कि ये हो गया पिक एंड पैक फीस, पैक करते हैं उसकी फीस लेते हैं, तो उसका फीस ये है, ठीक है, 13 और 14, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 रुपये का 14 रुपये कर दिया है, 26 का कुछ 26 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, मतलब 1 रुपये यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। अगर तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।